स्वास्थ्य ही जीवन का सार है, इसके बिना सब बेकार है। ये वीडियो आपको इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन सभी घरेलू उपचारों को समझें और इसका उपयोग करें। ये जो डर का साया लहराया, जिससे सबका दिल घबराया, घर में कैद है सबका साया, ऊपर वाले की ये कैसी माया। पर इससे मत घबराओ तुम, इससे मिल के हमें लड़ना है। कुछ बातों का बस ध्यान तुम्हें रखना है। घर से बाहर जाओ तो लगाओ मुंह पे मास्क, लौट के घर में आओ तो अंदर मत घुसो बिना धोए अपने हाथ। अपने इम्यून सिस्टम का रखो ख्याल, पियो गर्म पानी दिन में तुम कई बार, घर बैठे योगा और प्राणायाम का लो सहारा, सकारात्मक होगी इससे तुम्हारी विचारधारा। खाना बनाते वक्त हल्दी धनिया लहसुन और जीरा डालना तुम, लेकिन एक बात कर रखना ख्याल, जितना खा पाओ उतना ही थाली में परोसना तुम। जाएगा वो गुजर, आया जो वक्त है, जाएगा वो गुजर। हो दिल से करे दुआ, हम सब एक साथ, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, हंस के रो के ये वक्त बीत जाएगा। इतना तो है यकीन कि ये अपनों को और पास लाएगा। अपनों की सेहत का रखना ख्याल, बीमारी से ना हो किसी का बुरा हाल। इम्यूनिटी को अपने बढ़ाओ, खा के च्यवनप्राश, तुलसी दालचीनी काली मिर्च सुंधी और मुनक्के से बने काढ़े का करो इस्तेमाल। दूध में हल्दी डालकर पीना तुम, घी नारियल और तिल के तेल को नाक में डालना तुम। एक चम्मच तिल या नारियल के तेल से रोज कुल्ला करो और नाक और मुंह के रास्ते से वायरस को शरीर में जाने से रोको। गर्म पानी में पुदीना और अजवाइन डालकर लो भाप, शहद चीनी और लौंग का मिश्रण बनाकर पियो अगर महसूस हो गले में खराश। आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ये सभी नुस्खे साधारण बीमारियों से रखेंगे आपको दूर, पर कोरोना का लक्षण हो महसूस तो डॉक्टर के पास जाना जरूर। मुश्किल भरा पर जाने वाला है, मुश्किल भरा पर जाने वाला है, इससे ना घबराओ, घर में ही तुम रहो, ऐसे ही ये जाने। FM सीकर शहर की धड़कन।